सो गाइज, वेलकम टू माई चैनल लर्नर्स अकेडमी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इंग्लिश के न्यूज़पेपर को किस तरह से अंडरस्टैंड किया जाता है। बहुत सारे लोगों को इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड कर लेते हैं, बट उन्हें उसको अंडरस्टैंड करने में बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। सो मैं आपको आज इंग्लिश का न्यूज़पेपर को अंडरस्टैंड करना सिखाऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट हेडलाइन इज मॉनसून लाइकली टू हिट रेन नेक्स्ट वीक। तो मॉनसून लाइकली, आप देख रहे होंगे लाइकली वर्ड का यूज़ बहुत किया जाता है न्यूज़पेपर के अंदर, शायद ये न्यूज़पेपर का फेवरेट वर्ड है लाइकली, जिसकी मीनिंग होती है पॉसिबिलिटी। मतलब पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए न्यूज़पेपर के अंदर लाइकली, और इंग्लिश के अंदर बहुत एडवांस इंग्लिश में लाइकली का यूज़ किया जाता है। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, मॉनसून लाइकली टू हिट सिटी नेक्स्ट वीक। मतलब कि ये संभावना है, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जो मॉनसून है वो सिटी को नेक्स्ट वीक तक हिट करेगा। ओके, सो लाइकली का मैंने क्या मीनिंग बताई है, पॉसिबिलिटी। मैं अभी आपको, जब हमारा पूरा ये आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा, हम इसको अच्छे से परसीव कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको जो इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स आए, जो वोकैबुलरी आपको निकल कर आएगी, उसको मैं आपको राइट डाउन कराऊंगी। ओके, सो नेक्स्ट लाइन इज ड्राई स्पेल एक्सपेक्टेड ओनली टिल टुमारो प्री मॉनसून शोवर्स टू फॉलो। सो ड्राई स्पेल एक्सपेक्टेड, ड्राई मीन्स आपको पता है, ड्राई मीन्स सूखा सूखा, मतलब बहुत ज़्यादा ड्राई मीन्स बहुत हॉटनेस, बहुत ज़्यादा यू नो बहुत गर्मी टाइप की। तो जो गर्मी है ड्राई स्पेल, मतलब जो गर्मी है एक्सपेक्टेड की गई है, क्या एक्सपेक्ट की गई है, ओनली टिल टुमारो। टिल मीन्स तक होता है, तो तक, टुमारो मीन्स कल, कल तक के लिए, ओनली कल तक के लिए ड्राई स्पेल जो है वो एक्सपेक्टेड की गई है। ओके, अगर यहाँ पे वेट स्पेल होता, आपको पता है ना वेट, WET वेट, जिसका वेट स्पेल होता है तो उसका मतलब होता है बारिश, और ड्राई स्पेल तो उसका मतलब गर्मी होता है। ओके, तो बारिश जो है, जो जो ड्राई स्पेल है वो टिल टुमारो तक ही एक्सपेक्ट की है। प्री मॉनसून शोवर टू फॉलो, अब इसके बाद क्या होगा, प्री मॉनसून शोवर्स फॉलो होगी। ठीक है, यहाँ फॉलो का यूज़ क्यों किया गया है, क्योंकि इस ड्राई स्पेल के बाद अब प्री मॉनसून शोवर्स इसको फॉलो करेगी, मतलब इसके आगे अब प्री मॉनसून शोवर्स होगी। सो मॉनसून रेन्स आर लाइकली टू हिट द नेशनल कैपिटल रीजन एज अर्ली एज नेक्स्ट वीक। सो मॉनसून रेन्स आर लाइकली, लाइकली का मैंने अभी आपको क्या मीनिंग बताया है कि लाइकली मीन्स पॉसिबिलिटी, कि पॉसिबिलिटी है कि जो मॉनसून रेन्स है वो हिट करेगी NCR को एज अर्ली एज नेक्स्ट वीक। एज अर्ली एज मीन्स जल्दी ही, कब तक, नेक्स्ट वीक तक। ओके, सेकेंड लाइन इज डेलीज नॉर्मल मॉनसून डेट हैज़ रिसेंटली बीन रिवाइज टू June 27। सो इसमें क्या है गाइस, कि डेली नॉर्मल मॉनसून डेट, मतलब जो डेली की जो नॉर्मल मॉनसून डेट है वो हैज़ बीन रिवाइज्ड, वो रिवाइज की जा चुकी है टू June 27 तक के लिए। ठीक है, कि जो मॉनसून है, जो मॉनसून कब आएगा, वो जून में आएगा, ऐसा किया जा चुका है। अब आप सोच रहे होंगे अभी किया जा चुका है, क्यों बोला है मैंने, तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट के बाद हैज़ बीन का यूज़ किया जाता है, हैज़ बीन के बाद वो आपके थर्ड फॉर्म आई है, तो इसका मतलब कि ये काम किया जा चुका है। ओके, तो ये काम कब तक के लिए, मतलब कि यू नो मॉनसून कब तक आ जाएगा, 27 तक आ जाएगा, ये जो है कहा जा चुका है। वाइल इट हैड रेन्ड June 29 फॉर सेवरल डिकेड्स, बट वाइल मतलब कि इसके दूसरे साइड क्या है, कि इट हैड रेन्ड, इससे पहले क्या होता था कि जो रेन थी, इट चीज़ लगाया है हमने रेन के लिए, जो रेन थी वो होती रही है फॉर सेवरल डिकेड्स, मतलब बहुत सालों तक, डिकेड्स मतलब कि 10 सालों तक, डिकेड 10 ईयर्स को बोलते हैं। तो जो सेवरल डिकेड से जो मॉनसून है वो 29 जून तक ही आता रहा है।
सेज मैट ऑफिशियल्स. मैट, मैट जो है वो मेट्रोलॉजिकल, मेट्रोलॉजी की शॉर्ट फॉर्म है, जो जिसको हम मौसम विभाग बोलते हैं, वेदर डिपार्टमेंट, तो उन्होंने ये कहा है. नेक्स्ट इज गाइस, द विड्रॉवल डेट फॉर द साउथ वेस्ट मॉनसून इज नाउ सेप्टेम्बर 25 इंस्टेड ऑफ सेप्टेम्बर 21. विड्रॉवल डेट मतलब, विड्रॉवल डेट मीन्स कि जो जो इस जो वेट स्पेल है, मतलब कि जो रेनी सीजन है, रेनी सीजन का जो विड्रोवल है, मतलब वापस जब जाएगा, रेनी सीजन जब वापस जाएगा, उसकी डेट, उसकी डेट इज़ नाउ 25 सितंबर कर दी है, इंस्टेड मतलब कि इसकी बजाय, किसकी बजाय, सितंबर 21 की बजाय. ओके, इंस्टेड ऑफ 20 सितंबर 21. क्लियर. नेक्स्ट इज द नॉर्मल मॉनसून डेट्स फॉर ईच कंट्री वर रिसेंटली अपडेटेड बाय इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एंड, पहले यहाँ तक समझते हैं, जो नॉर्मल डेट्स है ईच सिटी की, ठीक है, नॉर्मल डेट्स फॉर ईच सिटी में, मतलब कब मॉनसून आता है, वर मतलब की जा चुकी, अभी हो चुका है, ये काम भी कर दिया गया है, किसके द्वारा, बाय मतलब कि इस किसी के द्वारा, किसके द्वारा ये काम हुआ है, ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा ये काम किया जा चुका है कि उनकी जो डेट्स है वो अपडेट हो चुकी है, अपडेटेड हो चुकी है, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे वर्क का यूज़ किया है. तो ये सब मिनिस्ट्री का नाम लिखा है, आपको उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. सो नेक्स्ट इज़ द नॉर्मल ऑनसेट एंड प्रोग्रेस डेट डेट्स हैव बीन कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन 1961 to 2019 डेटा, एंड डेट ऑफ विड्रोवल हैज़ बीन कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन 1971 to 2019 डेटा. सो नॉर्मल ऑनसेट, ऑनसेट मीन्स क्या होता है, ऑनसेट मीन बिगिनिंग, ठीक है, बिगिनिंग होता है, ऑनसेट मीन्स बिगिनिंग, जो नॉर्मल जो बिगिनिंग है, स्टार्टिंग जो है मानसून आने की, वो जो प्रोग्रेस डेट है, मतलब आगे बढ़ने की, जो जितना वो जाता है, आगे बढ़ता है, उसकी जो डेट है, हैव बीन कैलकुलेटेड, वो कैलकुलेट की गई है, कि कैलकुलेट की जा चुकी है. मैंने अभी आपको बताया था कि हैज़ बीन आए, हैव बीन आए, और वर्ब की थर्ड फॉर्म की लग जाए, तो उसका इस, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ वो काम किया जा चुका है, क्योंकि ये पैसिव वॉइस बन जाता है. ओके, तो जो नॉर्मल ऑनसेट है, जो नॉर्मल बिगिनिंग, जो प्रोग्रेस जो होती है मॉनसून की, वो हैव बीन कैलकुलेटेड की जा चुकी है, बेस्ड ऑन, जो बेस्ड है, जो आधारित है 1961 to 2019 के डेटे तक. ओके, और इसके अदर साइड क्या है कि डेट ऑफ, मतलब इसके अदर साइड विड्रोवल हैव बीन कैलकुलेटेड, विड्रोवल जो है वो किया जा चुका है, कैलकुलेट बेस्ड ऑन 1971 to 2019 डेटा. मतलब विड्रोवल मतलब पास, वो वापस कब जाएगा मॉनसून, विड्रोवल बोल दिया, और यहाँ पे ऑनसेट मतलब कि स्टार्टिंग कब होएगी उसकी, ठीक है, वो कितना प्रोग्रेस करेगा, ये सब इसके ऑनसेट और प्रोग्रेस में आ चुका है. ओके, नेक्स्ट इज कुलदीप श्रीवास्तव, साइंटिस्ट एट IMD एंड हेड ऑफ रीजनल वेदर फोरकास्टिंग सेंटर इन दिल्ली, सेड मॉनसून इज लाइकली टू रिच टू टच पार्ट्स ऑफ नोएडा एंड गाजियाबाद June 22. ठीक है, ये जो IMD है, ये जो साइंटिस्ट है, ठीक है, कुलदीप श्रीवास्तव जो साइंटिस्ट है एट IMD में, ठीक है, IMD मतलब एट मतलब जहाँ पे वो साइंटिस्ट है, एंड हेड ऑफ रीजनल वाटर वेदर फोरकास्टिंग सेंटर का वो हेड भी है दिल्ली के अंदर, इन दिल्ली, ठीक है, इन दिल्ली, मतलब कि जो भी आपको स्टेट्स का नाम या किसी भी सिटी का नाम आ जाए तो उसके आगे हमेशा प्रेपोजिशन इन यूज़ की जाती है. ओके, क्योंकि बड़ी सिटी है तो इन यूज़ करेंगे, अगर छोटी मोटी सिटी है तो हम वहाँ पर एड का यूज़ करते हैं. दैट्स इट. तो हाँ, यहाँ पे क्या है, उन्होंने क्या एग्जेम्पशन लगाया, क्या अभी यहाँ पर लाइकलीहुड का यूज़ दोबारा कर दिया गया है, तो मॉनसून इज़ लाइकली टू रिच टू टच पार्ट्स ऑफ नोएडा, मतलब टच करेगा नोएडा और गाज़ियाबाद के पार्ट्स को June 22 तक. ओके,
एट प्रेजेंट द मॉनसून हैज़ टच्ड पार्ट ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश इज एक्सपेक्टेड टू कवर पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश बाय नेक्स्ट वीक। तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि ईस्टर्न पार्ट है वो हैज़ टच्ड, यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे हैज़ टच का यूज़ किया गया है, इट मीन्स कि वो काम किया जा चुका है, मतलब मानसून पहुँच चुका है कहाँ पर, पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में वो पहुँच चुका है। एंड इज़ एक्सपेक्टेड, एंड एक एक्सपेक्ट किया गया है कि इसके जो वेस्टर्न के जो पार्ट्स है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के फर्स्ट जो पार्ट्स है वो बाय नेक्स्ट वीक, मतलब कि वो बाय नेक्स्ट वीक से वहाँ पे मॉनसून पहुँच जाएगा। तो बाय का यूज़ मतलब सेम, आप यहाँ पे फ्रॉम भी लगा सकते हैं तब भी वो सेम ही रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट इज द मॉनसून हैज़ फर्दर एडवांस्ड इनटू सम पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश वाइल इट हैज़ ऑल्सो पास थ्रू द नियर बाय खजुराहो। सो फर्दर मतलब कि एडवांसमेंट, उसका आगे बढ़ना, उससे हम फर्दर बोलते हैं किस चीज़ का आगे बढ़ना, किसी चीज़ का एडवांसमेंट। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एडवांसमेंट। अभी मैं आपको इसके बाद एक पेपर के ऊपर आप सारे वोकैबुलरी दिखाऊंगी लिखकर, ताकि आप उसको राइट डाउन कर सके अपनी कॉपी के अंदर, जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा वाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश। सो नेक्स्ट इज, हाँ, मॉनसून हैज़ फर्दर एडवांस्ड इनटू सम पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, ठीक है, मतलब कि जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर मॉनसून जो है वो एडवांस में पहुंच चुका है। इनटू मतलब, इनटू मतलब कि अंदर किसी चीज़ के, मतलब कि कहाँ से, उत्तर प्रदेश के अंदर, सम पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में। ओके, वाइल दूसरी साइड, ठीक है, वाइल मतलब कहीं और जहाँ पे हो रहा है, वाइल का यूज़ करना मैं अभी आपको बताती हूँ कहाँ पे हम वाइल का यूज़ कर सकते हैं। इट हैज़ ऑल्सो पास्ड थ्रू द नियर बाय खाजुराहो फतेहपुर एंड बहरीच। सो वाइल इट हैज़ ऑल्सो पास, ये मतलब पास हो चुका है, मतलब और कहीं भी ये पहुँच चुका है, कहाँ कहाँ, थ्रू मतलब थ्रू द नियर बाय खाजुराहो में, फतेहपुर में एंड बहरीच में, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर भी हैज़ और फर्क थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया, इट मीन्स कि ये परफेक्ट ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है, इसलिए काम भी हो चुका है, मतलब यहाँ पर मॉनसून पहुँच चुका है। नेक्स्ट इज इट मे टच, मे मतलब यहाँ अगर मे का यूज़ होता है, इट मीन्स यहाँ पे लाइकलीहुड है, मतलब यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है कुछ होने की। इट मे टच एंड इवन कवर वेस्ट उत्तर प्रदेश बाय जून 22। इट मे टच मतलब कि ये टच करेगा, इट किस लिए आ गया, रेन के लिए इट आ गया, तो रेन है जो रेनी है, मतलब मॉनसून रेन जो होगी वो मे टच एंड इवन कवर वेस्टर्न, तो टच करेगी, टच कर सकती है एंड कवर कर सकती है जून 22 से, ठीक है, जून 22 से, मैंने आप फॉर्म लगा दो या बाई लगा दो, दोनों का मीन्स होता है सेम, जून 22 से वो यहाँ पर भी पहुँच सकता है मॉनसून और कवर कर सकता है वेस्ट उत्तर प्रदेश को। सो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रैक्टिकली ब्रिंगिंग रेन टू गाजियाबाद एंड नोएडा सेट श्रीवास्तव स्टेटिंग इट्स एडवांसमेंट इन द नेक्स्ट फ्यू डेज विल डिटरमाइन व्हेन इट इज। गाजियाबाद एंड नोएडा में जो रेन है वो 22 तक लाइकलीहुड में वो एक्सपेक्ट की गई है, सेट श्रीवास्तव, यह श्रीवास्तव ने कहा, सेट का यूज़ किया है मतलब कि ये पास्ट टेंस में है। स्टेटिंग इट्स एडवांसमेंट, उन्होंने ये भी स्टेट किया है, ये भी बोला है, ये भी स्टेटमेंट दी है कि इट्स एडवांसमेंट, इसकी जो एडवांसमेंट है, किसके एडवांसमेंट, मॉनसून की जो एडवांसमेंट है, इन द नेक्स्ट फ्यू डेज के अंदर विल डिटरमाइंड, वो डिटरमाइंड करी जाएगी, डिटरमाइंड मतलब कि निश्चित की जाएगी, ऐसा मतलब बाद में पता चलेगा कि व्हेन इट इज़ लाइकली टू हिट द कैपिटल, जब ये कैपिटल से
टकराएगी, जब कैपिटल को हिट करेगी तभी इसका पता चलेगा कि ये इसकी एडवांसमेंट कैसी है, कितनी है। ओके, यहाँ भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी यूज़ किया गया है लाइकली का, ठीक है, दैट मीन्स पॉसिबिलिटी ओनली टू हिट द कैपिटल। फॉर दिल्ली एंड अदर प्लेसेस इन द NCR आर ड्राई स्पेल इज फोरकास्ट अंटिल जून 2019। तो यहाँ पर ड्राई स्पेल आ चुका है, ड्राई स्पेल मैंने आपको क्या बताया है, मतलब गर्मी होनी। ओके, गर्मी इज मतलब सॉरी आज ड्राई स्पेल इज फोरकास्ट, फोरकास्ट मीन्स जब हम किसी इंफॉर्मेशन को पहले दे देते हैं तो उसे फोरकास्ट बोलते हैं। फोर मतलब आगे होता है, कास्ट मतलब आप कुछ भी समझ सकते हो इस वर्ड्स को याद करने के लिए, मतलब आगे की बात को पहले ही बता देना, उसे हम फोरकास्टिंग बोलते हैं। तो वेदर फोरकास्टिंग। सो गाइस, अनटिल, अनटिल जिसका मतलब होता है तक तक, ठीक है। ड्राई स्पेल इज फोरकास्ट अनटिल, कब तक, कब तक, जून 19 तक कही गई है। विद आ स्पेल ऑफ प्री मानसून, और जो प्री मानसून की जो स्पेल है, जो मैजिक है प्री मानसून का, रेन टू कॉमेंस ऑन द नाइट ऑफ जुलाई 19। जो प्री मानसून की जो स्पेल था, मैजिक जो था प्री मानसून जो आना था, वो कब से कॉमेंस होएगा। कॉमेंस मीन्स होता है स्टार्ट होना, ओके, बिगनिंग होनी किसी चीज़ की, उसे बोलते हैं कॉमेंस। कॉमेंस मीन बिगनिंग होनी, स्टार्ट होना। ऑन द नाइट ऑफ जून 19 की रात को, 19 जून के नाइट को, ऑन द नाइट ये कॉमेंस हो जाएगा। दिस स्पेल श्रीवास्तव सेट कुड कैरी ऑन टिल जून 23। अभी ऐसा कहा गया है, श्रीवास्तव ने कहा कि ये जो स्पेल है, ये जो मैजिक है, ये जो आना है प्री मानसून का, कुड कैरी ये ला सकता है, ऑन टिल कैरी ऑन मतलब ये कैरी ऑन मीन होता है ये रह सकता है इतना, ओके, टिल जून 23 तक ये रह सकता है। टिल हो या अनटिल हो, दोनों का जो मीनिंग होती है वो होती है तक, ठीक है। जून 23 तक वो रह सकता है। कल्मिनेटिंग विद मॉनसून शोवर्स इफ द करंट एडवांसमेंट कंटिन्यूड। कल्मिनेटिंग मतलब होता है टू रिच द फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट तक पहुंचना। तो मॉनसून शोवर्स अगर मतलब फाइनल रिजल्ट तक कब पहुंचेगी, अगर इफ मतलब होती है अगर, द करंट एडवांसमेंट कंटिन्यूड, जो एडवांसमेंट आएगी प्री मानसून स्पेल जो होगी अगर ये कंटिन्यूड रहती है, ओके। इफ इट टच वेस्टर्न यूपी बाय जून 22 नोएडा एंड गाजियाबाद कुड गेट मानसून शोवर्स। अगर ये 22 तक, ठीक है, 22 से अगर ये टच कर देता है वेस्टर्न यूपी को, तो नोएडा और गाज़ियाबाद कुड गेट रेन। कुड का यूज़ किया क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी की बात हो रही है कि हो सकता है कि मॉनसून शोवर गाज़ियाबाद और नोएडा में आ जाए, ओके। दिल्ली इज द नेक्स्ट इन लाइन, दिल्ली इज नेक्स्ट, दिल्ली जो है वो नेक्स्ट है लाइन के अंदर। एंड ईस्टर्न दिल्ली कुड गेट टच आफ्टर दैट, और उसके बाद, आफ्टर दैट मतलब इसके बाद, दिल्ली जो है, दिल्ली का जो ईस्टर्न दिल्ली है वो कुड गेट मतलब वो भी कर सकती है मानसून का टच, बट इसके बाद ही करेगी, पहले दिल्ली फिर बाद में ईस्टर्न दिल्ली को वो टच करेगा, कौन, मानसून। दिस ईयर मानसून कुड हिट दिल्ली स्लाइटली, स्लाइटली मीन्स थोड़ा जल्दी, थोड़ा होना, थोड़ा मतलब स्लाइटली अर्लियर मतलब थोड़ा जल्दी ये दिल्ली को हिट करेगा। देन द नॉर्मल डेट, देन मीन्स जब हम कंपैरिजन करते हैं दो चीज़ों के बीच में तब हम देन का यूज़ करते हैं, तो देन मीन्स तुलना करना, ठीक है। द नॉर्मल डेट, नॉर्मल डेट के तुलना में अभी ये ज़्यादा अर्लियर मतलब स्लाइटली अर्लियर कुड हिट दिल्ली, दिल्ली को हिट कर सकता है। सेट श्रीवास्तव, श्रीवास्तव ने ऐसा कहा, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ इज आफ्टर अ रिलेटिवली कूल जून विच सो स्लाइट रेन्स लाइट शोवर्स
इन द फर्स्ट टू वीक्स, ठीक है, मतलब जो रिलेटिवली कूल जून चल रहा है इसके बाद, विच सो, विच का यूज़ किया है हमने यहाँ पे, बिकॉज जो, जिसका मीन होता है जो, अगर यहाँ पे जून है, जून के लिए हमने विच का यूज़ करा है, अगर यहाँ पे कोई लिविंग थिंग होती तो हम हु का यूज़ करते, ओके, तो विच जिसमें सो लाइट रिशोवर्स इन द फर्स्ट टू वीक्स में हो सकती है, टेम्परेचर्स हैव बीन ऑन द राइज अगेन, दोबारा से टेम्परेचर वो राइज हो सकता है, सो द टेम्परेचर हैव बीन ऑन द राइज अगेन, सो गाइज यहाँ पे हैव बीन का यूज़ किया गया है, इस डेट मीन्स कि हो गया है, वो कम हो गया है, मतलब टेम्परेचर जो है वो ऑन द राइज, मतलब बहुत बढ़ गया है, ठीक है, ऑन द राइज मीन्स कि वो बढ़ गया है टेम्परेचर, वो हैव बीन का यूज़ किया गया है कि टेम्परेचर को वो बढ़ गया है, डेलीज मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन वेंसडे, हमने यहाँ पे डेज नेम है, डेज नेम के आगे हमेशा ऑन प्रेपोजिशन का यूज़ किया जाता है, तो ऑन वेंसडे कुछ डेलीज का जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो 41 डिग्री सेल्सियस, ओके, द IMD फोरकास्टेड अ मैक्सिमम ऑफ 43 डिग्री सेल्सियस बाय जून 19, और IMD ने भी फोरकास्ट करा है कि बाय जून 19 तक जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, however, बट इसके अगेंस्ट दूसरी तरफ क्या है, however मतलब दूसरी साइड, subsequent rain is likely to bring down after that, subsequent rain मतलब जो rain जो आएगी, subsequent मतलब के बाद में जो rain आएगी, is likely मतलब ये भी संभावना है, ये possibility यहाँ पे show की गई है, to bring it down, it मतलब कौन, it मतलब कि बढ़ता जो temperature, rising temperature है, वो इसके लिए यहाँ पे it use कर रहा है कि वो bring down मतलब कि नीचे ले आएगा, सब्सिक्वेंट रेन है वो इज लाइकली टू ब्रिंग इट डाउन, वो टेम्परेचर को नीचे ले आएगा आफ्टर दैट, इसके बाद, ओके, विद द नेक्स्ट स्पेल ऑफ रेन, मतलब नेक्स्ट स्पेल जो रेन की होगी, टेम्परेचर विल वंस अगेन ड्रॉप डाउन टू ब्लो 40 डिग्रीज, ठीक है, जो नेक्स्ट दोबारा स्पेल होगी उससे टेम्परेचर विल एक बार फिर, मतलब कि वो दोबारा नीचे आ जाएगा, ड्रॉप डाउन हो जाएगा टू ब्लो 40 डिग्रीज, ब्लो मीन्स नीचे आना, तो 40 डिग्री के नीचे वो आ जाएगा, यहाँ विल का यूज़ किया गया है, तो इससे मतलब यहाँ पे वो फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है कि फ्यूचर में जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री के ब्लो 40 डिग्री हो जाएगा, सेड आ मेट ऑफिशियल, ने भी एक मेट ऑफिशियल ने बोला है, सो गाइज नाउ हमारा पैराग्राफ हैज़ बिन कम्प्लीटेड, सो वी मूव टू our new vocabulary words, okay, so guys our first word is decade, which means a group of 10 years, okay, if 10 years ka jo group milta hai to use that is called decades, hindi mein bole to dashak, now we will take an example, bahut dashak ho gaye hain, बहुत दशक हो गए हैं, इट्स हैज़ बीन सेवरल डिकेड्स, ओके, और आप इसके नेक्स्ट आप दूसरा जो एग्जांपल है वो खुद कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज़ लाइकली, लाइकली का हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्या तुम्हें लगता है कि आज रेन हो सकती है, सो वी आर गोइंग टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश, क्या तुम्हें लगता है, डू यू थिंक कि आज रेन हो सकती है, इज इट लाइकली टू रेन, ओके, लाइकली मीन्स पॉसिबिलिटी को शो करता है, लाइकली क्या होता है वो पॉसिबिलिटी को शो करता है, नेक्स्ट वर्ड इज ड्राई स्पेल, दैट मीन्स ड्राई वेदर,
So let's move to an example. जैसे कि जो ड्राई वेदर है, जो ड्राई स्पेल है, वो वाटर शॉर्टेज का कारण बनता है. ड्राई स्पेल कोस टू, मतलब कारण बनना, कोस टू वाटर शॉर्टेज, पानी की कमी को बोलते हैं वाटर शॉर्टेज का कारण बनता है. ड्राई स्पेल मीन्स ड्राई वेदर. ओके गाइस, तो फोर्थ वर्ड इज एज अर्ली एज. ओके, दैट मीन्स जल्दी होना. ठीक है, जल्दी होना, अर्ली सूनर. ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल बनाते हैं. लेट्स टेक अ एग्जाम्पल. द इलेक्शन रिजल्ट, द इलेक्शन रिजल्ट मे बी, मतलब आ सकता है, मे बी कम आउट, मे बी कम आउट मतलब आ सकता है एज अर्ली एज 10 PM. ठीक है, कि वो सूनर ही, मतलब 10 बजे तक ही वो आ सकता है. तो फिफ्थ वर्ड इज इंस्टेड, इंस्टेड ऑफ. इसलिए मैंने आपको बताया था इसके मीनिंग होता है के बजाय. ठीक है, के बजाय. जैसे हम इसके एग्जांपल लेते हैं कि मैं चाय के बजाय कॉफ़ी पीता हूँ. ओके, तो आई टेक टी, मैं कॉफ़ी पीता हूँ, या मैं कॉफ़ी पीता हूँ या मैं टी पीता हूँ, तो मैं लिख रही हूँ तो मैं पीती हूँ चाय. तो आई टेक टी इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ कॉफ़ी, कि मैं कॉफ़ी की बजाय चाय पीती हूँ. ओके गाइस, नेक्स्ट वर्ड इज हैज बीन, यूज ऑफ हैज बीन और हैव बीन. ठीक है, तो हैज बीन और हैव बीन, और इसके साथ में अगर वो आपकी थर्ड फॉर्म लगी हो तो ये बन, वो ये सेंटेंस बन जा चुका है, ये पैसिव वॉइस बन जाता है कि ये काम किया जा चुका है, किया जा चुका है, ये काम किया जा चुका है. तो इसका हम बनाते हैं, जैसे पुलिस ने एक्यूज्ड को, एक्यूज्ड पकड़ा जा चुका है. ठीक है, द पुलिस हैज बीन, जो एक्यूज्ड है, जो दोषी है, वो पकड़ा जा चुका है. द एक्यूज्ड हैज बीन अरेस्टेड, पकड़ने को अरेस्ट बोलते हैं, अरेस्टेड बाय पुलिस, पुलिस के द्वारा, बाय पुलिस. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज, नेक्स्ट वर्ड इज ऑन सेट, ऑन सेट. मैंने आपको क्या बताया था, इट मीन्स बिगिनिंग होने, स्टार्टिंग होने की, इस चीज़ की. ओके, तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे केरला के अंदर मॉनसून आ चुका है, ये मॉनसून जो है वो अपना ऑन सेट दे चुका है, बिगिनिंग उसकी हो चुकी है. तो द मॉनसून हैज मेड, मतलब बिगिनिंग उसकी हो चुकी है, has made an onset. Onset जो है वो एक तरह का noun है, तो इसको as a noun ही हम इसको यहाँ पे use करेंगे. हमने इसके पहले verb लगा दी है. ठीक है, एन का यूज़ करा है हमने इससे पहले, एन, बिकॉज यहाँ पे ये आर्टिकल है, वॉवल है, इसके इसके आगे हमने एन आर्टिकल का यूज़ किया है. has an onset in Kerala, Kerala के अंदर. ओके, अब यूज़ ऑफ बाय देख लेते हैं कि हमने बाय का यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं. तो बाय का उससे बताया था मैंने, बाय के लिए हम से, हिंदी में से कहते हैं इसे. जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं कि दिल्ली में मॉनसून
22 जून से पहुंच चुका है, ठीक है। तो चुका है मतलब कि ये पास्ट परफेक्ट है। तो द मॉनसून हैज़ टच हमने ये भी किया था यूज़ एक बार, टच इन दिल्ली से, है ना। तो बाय 22 जून, ओके। सो गाइस, नेक्स्ट वर्ड इज कॉमेंस मीन बिगिनिंग होना, बिगिन होना, स्टार्ट होना, कुछ चीज़ का स्टार्ट होना, उसे बोलते हैं कॉमेंस, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एनुअल फंक्शन स्टार्ट है जून 22 को, ओके। तो द एनुअल फंक्शन कॉमेंस लगा लो, ये अगर होता है तो कॉमेंस लगा लो, अगर होगा आपके स्कूल के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे विल का यूज आप कर सकते हो। विल कॉमेंस बाय या फ्रॉम 22 जून, 22 जून से ये हमारे स्कूल में होगा। सो गाइज, प्लीज़ लाइक आवर चैनल, ठीक है, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।